सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट विद विजय चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर कुल तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि अगर आप फाइनल टेस्ट मैच के लिए एक्साइटेड है तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी क्विक अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों पहली अपडेट की बात करें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को अब बस कुछ ही सप्ताह का समय रह गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो में आपको खबर बताई थी कि आईसीसी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए 4000 दर्शकों को ग्राउंड में आने की अनुमति दे दी है। दोस्तों आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए 13 मई तक टिकटों की बुकिंग खुली रखी थी, उस दौरान कुछ ही भाग्यशाली फैंस को ही टिकटें मिल पाई। दोस्तों एक बड़ी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का इतना क्रेज है कि फैंस 2 लाख रुपए में भी टिकट खरीद रहे थे। हालांकि दोस्तों सिर्फ 4000 टिकटें ही बिकी जानी थी, इसलिए यहां पर जो टिकटों की मांग है वो बहुत ही ज्यादा तादाद में थी और फैंस ज्यादा से ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गए थे टिकटों के लिए। तो दोस्तों यहां पर पहली अपडेट यही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक साउथैम्पटन में खेला जाएगा, जो कि भारतीय समय अनुसार दोपहर को 3:30 बजे शुरू हो जाएगा, जहां पे दोस्तों एक तरफ होंगे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली तो वहीं दूसरी तरफ होंगे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच फाइनल टेस्ट मैच में हमें काफी कड़ी भिड़न होती हुई देखने को मिलेगी। उनके बाद दोस्तों अगर दूसरी अपडेट की बात करें तो दोस्तों यहां पर आईसीसी ने यह क्लियर कर दिया है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगर ड्रॉ या टाई में खत्म होता है तो यहां पर कौन सी टीम विजेता मानी जाएगी। दोस्तों आईसीसी ने शुक्रवार को WTC फाइनल के लिए प्लेइंग कंडीशन जारी की और उसके मुताबिक अगर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून पांचों दिन पूरा मैच खेला जाता है फाइनल टेस्ट मैच और अगर ड्रॉ होता है तो यहां पर दोनों ही टीम संयुक्त विजेता मानी जाएगी, दोनों ही टीम चैंपियन कहलाएगी। लेकिन दोस्तों अगर 18 से 22 जून में से किसी एक दिन पूरा खेल नहीं हो पाता है बारिश की वजह से या फिर कोई और कारणों की वजह से तो यहां पर 23 जून को रिजर्व डे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों पहले ये खबर आई थी कि आईसीसी ने रिजर्व डे का रूल हटा दिया है, लेकिन दोस्तों आईसीसी ने यह क्लियर कर दिया है कि नुकसान हुए दिन की भरपाई उन 5 दिनों में ही नहीं हो पाता है तो ही यहां पर 23 जून तक खेल को ले जाया जाएगा और रिजल्ट निकाला जाएगा। दोस्तों यहां पर रिजर्व डे को लेकर जो भी खबरें आ रही थी उनको लेकर आईसीसी ने यहां पर अंतिम मोहर लगा दी है। दोस्तों भारतीय टीम इस समय मुंबई के होटल में क्वारंटीन में है और 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। उनके बाद दोस्तों अगर तीसरी अपडेट की बात करें तो वो निकल के आ रही है फाइनल टेस्ट मैच के लाइव ब्रॉडकास्टिंग को लेकर। दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क द्वारा 7 अलग अलग चैनलों पर किया जाएगा और 5 भाषाओं में किया जाएगा, जिनमें दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल और तेलुगु शामिल है। तो दोस्तों ये 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कौन सी अपडेट अच्छी लगी और आपके हिसाब से फाइनल टेस्ट मैच कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।